नमस्कार दोस्तों, तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं सागर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, और सागर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान ही किस तरीके से भाजपा में चल रही अंदरूनी खींचतान सामने नजर आई उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, और वो क्या कारण रहे, क्या घटना रही, उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करने के बाद आप जरूर बताइए क्या ये हकीकत कहीं ये नहीं बता रही कि भाजपा में अंदरूनी लेवल पर एक दूसरे के बीच में खींचतान चल रही है। यहाँ पर भाजपा के जो दो नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत कद्दावर हैं, वो पहले भी एक बार शायद उनके संग ऐसा कुछ हो चुका है कि वो कहना पड़ता उनको कि हमसे क्या भूल हुई, और अब फिर उनके संग वही कुछ हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोपाल भार्गव जी की और भूपेंद्र सिंह जी की। दोनों ही बुंदेलखंड के कद्दावर नेता हैं, और कितने वरिष्ठ नेता हैं आप समझ सकते हैं। गोपाल भार्गव जी सबसे ज्यादा विधानसभा जीतने वाले नेता रहे, और उसके बाद में एक अच्छा खासा कद था उनका, वरिष्ठ नेताओं में माने जाते थे। और दूसरे भूपेंद्र सिंह जी हैं, जो अभी पिछली सरकार की बात करें तो नेक्स्ट टू सीएम तक उनको दर्जा दिया गया था। लेकिन हुआ क्या, पूरा घटनाक्रम क्या था, तो आप देखिएगा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, मुख्यमंत्री स्वयं मंच पर है, मुख्यमंत्री के आसपास बाकी के जितने भी विधायक मंत्री हैं वो भी वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह इनको नवे लेवल पे बहुत दूर कहीं कुर्सी पर जगह दी जाती है, और इनको वह तवज्जो उस कार्यक्रम में नहीं मिलती। अब प्रोग्राम में पहुंच गए थे, अपनी उपेक्षा देख रहे थे, अपनी उपेक्षा देखकर ज्यादा देर तक जब इनको उपेक्षा सहन नहीं हुई तो दोनों मंत्री जी उठे, बाहर निकले और अपनी कार से वापसी डाल दी। आप देखेंगे एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव जी बैठे हुए हैं कार में और कार्यक्रम से बाहर जा रहे हैं। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने स्वयं मंच पे खड़े होकर जब सब लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने इन दोनों का नाम भी लिया, लेकिन ये दोनों वहां से गायब थे। तो क्या ये पहली बार हुआ है? मैं आपको बता दूं कि इन दोनों कद्दावर भाजपा नेताओं के संग पहले भी ऐसा हो चुका है। आपको पता ही है कि अभी जब मंत्रियों की घोषणा हुई थी उस समय भी गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जी को साहब बाहर कर दिया गया था। गोपाल भार्गव जो बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, हमेशा जीतते आ रहे हैं, भाजपा को क्षेत्र में मजबूत किया है, और एक वरिष्ठ भाजपा नेता है भूपेंद्र सिंह, एक कद्दावर मंत्री रहे, क्षेत्र के बड़े नेता हैं, नेक्स्ट टू सीएम तक कहा जाता था, उसके बाद अभी वो हाशिए पर रहे। और मैं आपको बता दूं ये कोई पहली या दूसरी घटना नहीं है, इन दो कद्दावर नेताओं के साथ हमेशा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मुझे वह लम्हा भी याद आता है जब वो गोपाल भार्गव ग्वालियर में भाजपा के किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में आए हुए थे जहां पर अमित शाह उपलब्ध थे। अमित शाह के उपस्थिति में वह कार्यक्रम होना था, उस कार्यक्रम में भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता अंदर प्रवेश कर रहे थे। गोपाल भार्गव जब पहुंचे थे मेरे सामने ही, तमाम मीडिया कर्मियों के सामने ही, उनको वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया था, वापस लौटा दिया था, अंदर प्रवेश नहीं देने दे रहे थे, जबकि वो बता रहे थे कि भाई मैं गोपाल भार्गव हूं, अपना पहचान दे रहे थे। उसके बाद उनको वो बिफर गए, वो नाराज होकर लौटने लगे थे, तो वो भी एक घटना उनके साथ हुई थी। तो इस तरह की घटना गोपाल भार्गव जी के साथ लगातार हो रही है, भूपेंद्र सिंह जी भी अब उसी तरीके से हाशिए पर हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, पार्टी के हर कार्यक्रम में उनकी उपेक्षा की जा रही है, जबकि कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूत करने में इन दोनों ही नेताओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हो सकता है कि अंदर की खींचतान है, नए लोग आए हैं, नए को तवज्जो दी जा रही है, और जो पुराने हो गए हैं शायद उनकी अब इतनी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि यदि आपको किसी की जरूरत नहीं है तो उनको वहां बुलाएं ही ना। एक तो उनको कार्यक्रम में बुलाया गया, उसके बाद वहां पर उनकी उपेक्षा की गई, उनको जब ऐसा लगा कि उनके सम्मान में कहीं कमी रह जाएगी तो वह खुद ही अपना सम्मान बचाकर वहां से निकल लिए। तो इस तरह की तमाम घटनाएं आजकल देखने को मिल रही हैं। अब किसी से आप बात करेंगे तो भाजपा के नेता जी कहेंगे कि परिवार जब बड़ा हो जाता है तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। परिवार बड़ा है तो भी बड़े परिवार में बड़ों का सम्मान पहले होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही किसी
अन्य मसले पर चर्चा करने के लिए फिर आपके सामने आऊंगा। जब तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार। जय हिंद।